तो भाई लोग थिएटर में एक मूवी आई जिसका नाम है सर्कस, स्टारिंग जैकलिन फर्नांडिस, दो रणवीर सिंह, दो वरुण शर्मा और कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोग। भाई ऐसे ऐसे लोग को छोड़ो, मेरा दिमाग घिसक गया मूवी देख के। गाइस लिटरली मैं बात करूंगा कि बॉलीवुड के जितने भी हसमुख किरदार हैं जो कि बहुत फेमस है, जिनको एक अच्छा खासा कॉमेडियन माना जाता है, सब है इसके अंदर, सब के सब है। जी हाँ, सब के सब। और एक शॉकिंग बात क्या है पता है, तो भी आपको हंसी नहीं आने वाली है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वाह गजब, मतलब आपके ऊपर कोई पानी फेंक दे और आप गिल्ला ही ना हो। ओ भाई साहब, रोहित शेट्टी ने क्या खोज दिया है, गजब चीज खोज दिया है। सो गाइस इस मूवी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसके पहले इस मूवी का पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर्कस मूवी है जो है ये बेस्ड है एक कॉमिक्स के ऊपर, कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो अंगूर की रीमेक है, कुछ लोग बोल रहे हैं दो दिना चार की रीमेक है। ये तीनों मूवी ही एक ही ये सेम कहानी है जो कि उठाया गया है ये इनके कॉमिक्स से, विलियम शेक्सपियर के कॉमिक्स से, कॉमेडी ऑफ एरर्स, समझे। सो गाइस चलिए हम आते हैं इस मूवी में। तो चलिए गाइस लगाते हैं मूवी में डुबकी और देखते हैं कि इस मूवी में क्या है। सबसे पहला बात मैं बताना चाहूंगा, ये सर्कस जो मूवी है वो एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, और एक कॉमेडी ड्रामा मूवी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती है डायलॉग्स। डायलॉग्स में ही हमें हंसी आती है और एक्सप्रेशन में। अरे भाई इनके एक्सप्रेशन देखो, मतलब हंसाने की कोशिश तो किया जा रहा है, मेरा एक्सप्रेशन देख के शायद आप हंस गए होगा, लेकिन इनका एक्सप्रेशन देखोगे ना आपको इतना अजीब लगेगा ना गाइस, फर्स्ट टाइम आप हंसोगे ठीक, लेकिन वही एक्सप्रेशन को 10 बार इन्होंने रिपीट किया। एक सीन में आपको हंसी आएगी, फिर वही सीन को आपको 10 बार रिपीट होगा। जी गाइस, तो आपको एक ऐसा चीज लगेगा कि भाई क्या हम ये देखने को आए हैं, कोरोना आ रहा है भाई, कोरोना के पैसा नहीं बचाएंगे तो कैसे चलेगा ऐसी मूवी कैसे। मुझे तो अभी भी शौक हो कि रोहित शेट्टी ने यार ऐसा मूवी बनाया। जब इस मूवी का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे सच्ची लग रहा था क्या पता है एक सुपर हीरो मूवी है, लेकिन जब मूवी देखा तो भाई सुपर हीरो छोड़ो तो सुपर जीरो मूवी भी नहीं निकली। हाँ गाइस, लेकिन देखो मैं पहले आपको बोल रहा हूँ ये मूवी पूरी तरीके से भी बकवास नहीं है। जी हाँ, इनकी तरफ से बकवास इसके लिए हो गया क्योंकि बहुत प्रिडिक्शन मूवी, एकदम सो सिंपल, आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। और ऊपर से यहाँ पे एक पर्सन है जो आपको इस मूवी को समझाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब वही नहीं समझाएंगे तो अपने को क्या चार समझेगा, कुछ नहीं समझता। अच्छा, वो पर्सन को भाई मैं तारीफ करना चाहूंगा, शाबाशी देना चाहूंगा वो पर्सन को, आप मूवी में जाके देख देना कौन मूवी आपको समझा रहा है। तो गाइस जहां अब बात करते हैं एक्टरों की एक्टिंग की, छोड़िए यार ज्यादा तारीफ करना मूवी की अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव रिव्यू गाइस जितना कम हो मेरे ख्याल से उतना अच्छा होना चाहिए। सो गाइस जहां यहां बात की जाए, वरुण शर्मा का दो रोल है, रणवीर सिंह का दो रोल है, पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस, ये लोग सब लोग हैं। और आपको सच्ची विश्वास नहीं होगा कि आपको सर्कस मूवी देख रहे हो, आपको लगेगा पूजा हेगड़े की कोई दूसरी मूवी देख रही हूं, जैसे कि राधे श्याम थी, बीस्ट थी, दोनों फ्लॉप मूवी, तो ये भी फ्लॉप तो हो गई है। जैकलिन फर्नांडिस की भी एक्टिंग एकदम लिटरली पुराने जैसा भाई, कुछ नहीं है, सब सेम सेम। और यहाँ पे सबसे अच्छी बातें जो मेरे को सच्ची लगी वो यहाँ पे जाना जॉनी लीवर की, जो एक बार की एक्टिंग बहुत मजा आया, दूसरी बार भी सेम एक्टिंग, सब भाई सेम कर रहे हैं। ये मूवी गाइस कैसे पिटी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताए एक एक्टिंग को इन्होंने 10 बार रिपीट किया, इसके लिए पिटी। पहली बार आपको हंसी आएगा, 10 बार देखोगे कौन हंसी आएगा, सेम चीज को आप 10 बार में हंसोगे कभी नहीं हंसोगे। सो गाइस जहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात की जाए, ये जो मूवी है एग्जिस्ट करती है 90s के अराउंड, और उस टाइम पे विजुअल्स, इसका जो विजुअल्स है VFX है, CGI लगेगा मुंह पे फेंक के मारा है, कुछ खास VFX नहीं, आपको एकदम लो क्वालिटी आपको फील हो सकती है। इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियरिटी देने की कोशिश की है, कि दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उतना मजा नहीं।